बहुत जोर से बरसात हुई है तो मैं जरा सो गई थी। मैं अब जा रही हूँ ऊपर छत में, देखती हूँ मेरे प्लांट्स की हालत क्या हुई है। मैं आपको भी दिखाऊंगी। ऊपर मैंने लाइट भी नहीं लगाया, शाम हो गया है पर लाइट नहीं लगाई। ये मेरी छोटी सी रूम है, कपड़े सुखाती हूँ बस, लाइट लगाती हूँ। हाँ हो गया, लाइट लग गया। जय माँ। मैं दरवाजा खोलू, ये छत का हालत है, देखूं आज क्या हुआ है, क्योंकि बारिश इतना जोर से हो गया है, तूफान भी थोड़ा सा हुआ है, पता नहीं मेरे प्लांट्स का हालत क्या है। यहाँ पर रोज का रोज बारिश हो रहा है शाम के समय, और जैसा थोड़ा सा सा तूफान भी हो रहा है। मैं ये मेरा छोटा सा झूला है, छोटा सा झूला है, मैं इसको इसको जो है बैठने के लिए मैं हमेशा खड़ा करके रखती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे डाल देती हूँ ना तो क्या होता है, मेरा जो काकू है, अपने लोग ने वीडियो देखे है ना मेरी काकू का, तो वो आके यहाँ पर बैठ जाता है, उसका ये फेवरेट प्लेस है। यहाँ बैठ के वो मेरे हाथ से खाना खाती है, सुबह सुबह मॉर्निंग में सेव खाती है, और उसके बाद यहाँ पर पॉटी करती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, उसे चांस नहीं देती हूँ, इसे बस ऐसे उठा के रखती हूँ, जब बैठना होता है तभी डालती हूँ। काकू के लिए मुझे इसे खड़ा करके रखना पड़ता है ना। चलो ये मेरे प्लांट सब ठीक ठाक ही है, उस किसी का कुछ हुआ नहीं। ये दो फूल कल ये खिलेंगे, कल फूल ये भी खिलेंगे। अब मैं तो ऐसे में देखिए सरसों का खली का पानी बना के देती हूँ प्लांट्स में हर 15 दिन में, पर रोज बारिश हो रहा है तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर सरसों की खली के फर्टिलाइज़र बना के दूंगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो फिर फंगस होने का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। पर ये तो एकदम सही समय है कि मैं कुछ डालूँ, क्योंकि इसमें देखिए मेरे रेड एप्पल बेर का प्लांट है और इसमें फूल भी आ रहे हैं, तो इस वक्त तो मुझे बिल्कुल इसको फर्टिलाइज़र देना है। देखिए कितने सारे छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, यही बाद में फल में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चे खूब खेलते हैं, बारिश का मौसम है तो इनको बस पूछो मत, इनको खेलने से मतलब है। देखो गाड़ी पीछे से आ रहा है, वो भी इनको दिख नहीं रहा है, बस इसको खेलने में मतलब ही। हाँ ये जो है ना, ये है क्या बोलते हैं उसका, बेल, मतलब जो बेल पत्ता होता है ना, तो उसका ये प्लांट है हमारे पड़ोसी के, और यहीं पर काकू रहती है, मेरी जो क्रो फ्रेंड है वो यहीं पर रहती है, मेरी काकू प्यारी काकू यहीं रहती है। पर उसका तूफान में उसका घर शायद टूट गया, ऊपर से टूट जाने में वो बेचारा बड़ा दुखी है, खबर देने आई थी मैं, वो वीडियो भी डाली हूँ, शॉर्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ये मेरे एक काटिमन आम की प्लांट है, ऐसे ही मुझे नर्सरी में बोला था, पर कुछ ट्रीटमेंट के गलती से पत्ते निकल आए पर उसका फूल नहीं निकला। देखते क्यों, ये 12 मासी है तो आगे हो भी सकता है, और बाकी तो सब ठीक ठाक ही है, किसी का कुछ हुआ नहीं, सब ठीक ही है। और ये सपेटा का प्लांट है, बहुत सारे कलियाँ इसमें आ गई है, बहुत जल्दी इसमें फल भी पकड़ेगा, बहुत सारे कलियाँ आई हैं इसमें, पर मुसीबत यही है, देखिए कितना कलियाँ है, हाँ कितनी प्यारी प्यारी कलियाँ हैं, पर मुसीबत यही है कि मैं इसमें अभी इन सभी को मुझे फर्टिलाइज़र डालना है, और फर्टिलाइज़र क्या डालूँ वो तो धो के निकल जाएगा ना। ये है मेरी ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रैगन प्लांट। मैं इनका टिप टिप को कटिंग की हूँ, टिप्स को सारे कटिंग की हूँ, क्योंकि इसी में ये पुरानी ब्रांच है, ये मदर प्लांट से है तो पुरानी ब्रांच है, और इसमें तो अभी कलियाँ निकलेगी, अब तक निकला नहीं है पर निकल जाएगी, ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत जल्दी इसमें कलियाँ आ जाएगी। हाँ देखिए ना, आने भी लगा है, ये आपको दिख रहा है ना, अरे आपके आप, अरे आप तो मेरे लिए बहुत लकी हो। मुझे पता भी नहीं चला था कि इसमें कलियाँ फूट रही है बोल के। हाँ मैं आपको दिखाने कल आई तो मुझे दिख गया कि यहाँ पर इसका आ रहा है कलियाँ, है ना, ये देखिए
शायद इसका ये वाला कलिया फूट रहा है, निकल रहा है। तो चलो ट्रीटमेंट तो इसका हो गया, और अभी जो होगा इसमें भी, ये भी मेरा रेड एप्पल बेर का प्लांट है, इसमें दोबारा फूल आ रहा है। और ये छोटी सी बिल्कुल 2 फीट की अमरूद की पेड़ है, अमरूद की प्लांट है, ये बहुत छोटा है, पेड़ तो है ही नहीं, ये प्लांट है, मिनी प्लांट। देखिए इसमें कितना सारा कलिया आया है, और ये फल भी पकड़ लिया, इतना छोटा, सिर्फ 2 फीट का है ये, ओनली 2 फीट। और देखिए ढेर सारे कलिया भी आ गई है, ये बहुत प्लांट भी बहुत हेल्दी है। और ये है नागपुरी कमला, क्या बोलते हैं, और नागपुरी ऑरेंज का है प्लांट, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऑरेंज लगे हैं, दिखाऊंगी। और एक प्लांट है उसमें और ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें भी देखिए, ये देखिए एक ही ब्रंच में यहाँ पर 2 आ गया है, यहाँ पर एक और नीचे और एक है, पता नहीं ये ठंडे के मौसम गुजरने के बाद इसमें कैसे फल सब आ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पर 2 है। बड़ी खुशी मिलती है जब ऐसे फल खिलने लगते हैं। हाँ ये तो फूल है, ये तो सारा साल भर मुझे खुशी देती है। ढेर सारे कलियां आ रही है इसमें, ये मेरे दूसरी ड्रैगन है, और इसका इन सब का कटिंग हो गया है। ये बच्चों को घर जाने का नाम नहीं है, अंधेरा होने वाला है फिर भी साइकिल चला रहा है। और भी इतने सारे फूल आए हैं, ये सब तो गिरेंगे नहीं, जितना गिरना था वो गिर गया तूफान में, अब तो लगता है कि ये फूल सारे स्ट्रांग हैं और ये फल में कन्वर्ट भी हो जाएगा। और ये मेरा है तीसरा ड्रैगन प्लांट है, सभी का टिपिंग किया गया है, तो आशा करती हूँ कि कुछ तो फल हो जाएगा ज़रूर। पर ये अंगूर की बेल है, ये ख़राब हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, क्यों, मैं 10-20 दिन के लिए बाहर चली गई थी और जिसको मैंने भरोसा किया था उसने पानी ठीक से दिया नहीं, फिर भी इसमें सूट्स आ रहे हैं, तो ये बच ही गया समझो, ये बच गया, हाँ सूट्स आ रहे हैं ना। और ये है स्टार फ्रूट, ये देखिए इस मिट्टी से थोड़े ऊपर में ही इसका फ्रूट्स आ गया, बस मिट्टी से जस्ट 4 उंगली ऊपर से फ्रूट्स आ गया है, ये स्टार फ्रूट है, स्टार फ्रूट की प्लांट है, बहुत छोटी और दुबली पतली सी है, पर अभी से फ्रूट आएगा ना। हाँ ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, जमरूल, रेड वाली जमरूल अब देखे है ना। हाँ अभी भी यहाँ पर आज मार्केट में मैं पूछी थी तो बाप रे 100 रुपया केजी मांग रहा था, बोलता ये कुछ नया फॉरेन फ्रूट है, मैं बोला रुको मेरे प्लांट में आ रहा है, मैं ला के तुम्हें खिलाऊंगी। देखिए इसमें फूल आ गया है, अब कलिया आ गई है, फूल नहीं ये फूटेगी, कलिया आ गई है, अब तो ये फूटने वाली है, लेकिन बारिश से मुझे डर लग रहा है, रोज़ तूफान होने से कहाँ तक संभल गई। देखिए अरे आप लोग तो व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हो आप तो सचमुच आज मेरे लिए लकी हो, देखिए आज इसका पहला फूल फूटा, कली फूटा है, और वहाँ पर ड्रैगन का भी कलिया आ गई है, तो आप मेरे लिए आज बहुत लकी हो। मैं तो 2 दिन ऊपर आई नहीं थी बिल्कुल, मुझे कुछ काम था बाहर जाना था। और ये मेरा है 4th ड्रैगन की प्लांट, और इनको भी मैंने सारे टिपिंग की, मैं जब भी टिपिंग करती हूँ मैं हल्दी लगाती हूँ ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, इसके इस बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो डाली है, शायद आप देखे हो या नहीं। और ये है वाइट जमरूल का प्लांट, लेकिन इसको इसी साल मैं लगाई तो इसमें कुछ हुआ नहीं। और ये है आपका स्वर्ण चंपा, चंपा फूल बोलते हैं ना, शिव जी का प्यारा होता है, तो वही स्वर्ण चंपा का प्लांट है, इसमें कलियां आएगी, निकल रही है इसका सूट,
यहाँ पर इसकी कलियाँ आ जाएगी, इस गर्मी में तो होना है इसका। और क्या दिखाऊँ, हाँ ये है मेरा फिफ्थ ड्रैगन प्लांट की, देखिए तूफान ने इसको सुला दिया है। अभी तो शाम हो गया, मैं अब कुछ नहीं करूँगी, कल आके फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको ठीक से रखना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे जो है दो बच्चे, ये इस साल लगाया गया है, तो इसमें फ्रूटिंग नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगा, बस ऐसे लगाई लगा के रखी हूँ। और क्या दिखाऊँ, हाँ ये मेरा गिर गया है तूफान में। और देखिए ये प्लांट मेरा बिल्कुल रॉन्ग ट्रीटमेंट से जल सा गया था, लेकिन इसका ये अपना से मेरे आने के बाद मैंने इसको ठीक से ट्रीटमेंट दिया है, तो ये फिर से पत्ता निकाला है, तो बच ही जाएगा। और ये अनार है, बहुत सारे फूल इसमें आ गए हैं, अब देखती हूँ क्या होता है। पर यहाँ पर मुझे अनार तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे एक जो है काकू की दूसरी फ्रेंड चतुर, वो आके गिलेरी है, स्क्वेरल बोलते हैं ना, गिलेरी बोलते हैं ना, तो वो आके सारा खा जाता है, कच्चा ही खाता है, पकने से वो कुछ नहीं खाता है। जब कच्चा रहता है तभी उसको अच्छा लगता है, और वो भी पूरा नहीं खाता है, आधा खा के बस छोड़ देता है। और ये क्या है, ये हम लोग तो इसको सोजने डाटा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? हाँ हम लोग सोजने डाटा बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं। और ये देखिए कितना, ये मेरे छत में लगा हुआ है, ये हाइब्रिड वाला है, बस छोटा सा गमला में बाल्टी में लगा हुआ है, हाइब्रिड है। यहाँ थोड़ी सी साग लगाई हूँ। और ये है रेड सीताफल, सीताफल है पर रेड है, लेकिन सीताफल ज़्यादा होता नहीं है, और ज़्यादातर उसका जो ये है ना फूल है ना, वो काला होके गिर जाता है, मतलब देखना पड़ेगा फिर इसको, कुछ दवाई शायद देना पड़े। और ये रजनीगंधा है, बहुत सारे साल भर इसमें स्टिक्स आते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्टिक आया है, अभी एक स्टिक में जब फूल पकड़ लेता है तो बस वो तो देखने लायक होता है। ये है ना, ये देखिए स्टिक आ गया इसमें, ये अभी 5-6 दिन में इसमें फूल आने लगेंगे। ये है एप्पल पता नहीं कभी इसका फूल खिलेगा कि नहीं, 1.5 साल तो हो गया इसका, पता नहीं, मैं इसको कटिंग की हूँ, कटिंग करना पड़ता है इसको ताकि वो बुशी हो जाए, पर गर्मी के कारण या मौसम के कारण ज़्यादा ये डेवलप नहीं कर रही है, देखती हूँ क्या होता है, अब तक तो फूल नहीं आया इसका। और क्या दिखाऊँ, हाँ ये छोटी सी गुलाब है, चाइनीज़ गुलाब, मुझे कोई भी सुगंध वाली फूल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी है तो उनके लिए डेली मुझे सुगंध वाली फूल ज़रूरी होता है। मैं ऐसा अगर सुगंध वाली फूल मिल जाता है तो फिर मैं उदबत्ती वगैरह नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो नेचुरल प्रेगनेंस है वही मुझे अच्छा लगता है। दिन भर महकता रहता है ठाकुर जी का रूम, कभी आपको मेरे ठाकुर जी का रूम दिखाऊंगी। हाँ बहुत सीधी सी है, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है मेरे ठाकुर जी के पास, लेकिन देखिए इसको कितना सारा कलियाँ आ रही है। मैं इसमें सिर्फ सरसों की खली डालती हूँ, मतलब सरसों खली को पानी में 2-3 दिन भिगाने के बाद उसके बाद डालती हूँ, तो इसी में इतना सारा कलियाँ आ गई है। और ये है जूही, ये भी बहुत सुंदर, इसमें छोटा छोटा सफ़ेद वाला फूल आता है और बहुत भी अच्छा स्मेल आता है। और एक प्लांट दिखाऊँ, इसको मैंने आपको मेरे एक छोटा सा वीडियो में दिखाया था, देखिए ये बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत पत्ते वाली एक इंडोर प्लांट है, ये पूरा फंगस से भर गया था, मेरा एकदम मर सा गया था देखिए। और मैं अपना दिमाग चला के अपना तजुर्बा चला के इसको क्या किया ना, रोज़ हल्दी पानी से नहलाया, 7-8 दिन सिर्फ हल्दी पानी से नहलाने के बाद देखिए कितना सुंदर हो गया, नए नए शूट्स भी निकले और कितना सुंदर हो गया। आप भी ऐसे करो, अगर मेरे से हो गया तो आपसे भी हो जाएगा। देखिए ये जूही में कलियाँ आने लगी है और 2-4 दिन में ये फूटने लगेगी कलियाँ, तब तो पूरा मेरा पूरा छत महक जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब शाम होने को है,
मैं यहाँ से जो सूरज डूबता है ना पश्चिम में, तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। वो आपको दिख रहा है ना, वो मैं और थोड़ा दिखाऊँ, रुकिए। हाँ, वो जो टावर दिख रहा है ना, ये जो टावर यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, वो सीधा, हाँ वो एयरपोर्ट का ये है, वो एयरपोर्ट का टावर है। हम लोग का सीधा सीधा एयरपोर्ट है। मैं वहाँ हर दिन वॉक में जाती हूँ। मैं 66 की हूँ, फिर भी मैं 1 आवर वॉक करती हूँ, अच्छी सी वॉक करती हूँ। ऐसे नहीं कि बस अकेले ही जाती हूँ, मुझे मुझे किसी से गपशप अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद में रहती हूँ, नेचर्स के साथ रहती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं 66 की हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं, और जितने दिन मेरे हाथ में है, भगवान ने रखा है, हर दिन हर पल बस भगवान का बनाया हुआ इस सुंदर सी रचना में मैं अपने अपने अंदर उतार लूं। पता नहीं फिर कब आना हुए। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने इतने समय दिया, मैं ब्लॉग्स अच्छे बना नहीं बना पाती हूँ। जैसे तैसे बनाया ठीक है। फिर अब वॉच तो कर रहे हो ना, आप चाहे स्किप भी कर दो कोई बात नहीं, पर आपने जो शुरू किया देखना वो मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, बाय।